देखो ध्यान दो, जैसे मान लो अगर मेरे पास अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी है, इसका हमें अंडर रूट चाहिए। देखो इसका एक फार्मूला होता है, प्लस माइनस अंडर रूट मॉड जेड प्लस ए बाई टू प्लस आयोटा अंडर रूट ऑफ मॉड जेड माइनस ए बाई टू, है ना। ये देखो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। और अगर मान लो यहाँ माइनस है ए माइनस आयोटा बी, तो होगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ मॉड जेड प्लस ए बाई टू माइनस आयोटा अंडर रूट ऑफ मॉड जेड माइनस ए बाई टू, है ना। तो देखो ये यहाँ पर प्लस के लिए यहाँ प्लस है, और देखो माइनस के लिए यहाँ माइनस है। अब देखो जैसे हमें इसका अंडर रूट चाहिए, है ना। तो देखो हो गया 7 माइनस 24 आयोटा। देखो जैसे मॉड जेड क्या हुआ, मॉड जेड हो गया 7 स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर। देखो ऐसे हुआ है ना, 24 स्क्वायर कितना होता है, देखो है ना, 24 का स्क्वायर है ना, और 79। देखो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो पूरा का पूरा ये 625, मतलब 25 बनेगा। सब अच्छे करो सिंप्लीफाई इसको, है ना। देखो करो, है ना, ऐसे करो सब, ठीक है। देखो अब देखो ये क्या हुआ, ये वाला फार्मूला लगाएं, क्योंकि देखो यहां पर बीच में माइनस है ना, तो ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, प्लस माइनस ब्रैकेट में देखो अंडर रूट मॉड जेड 25 प्लस ए, ए कितना है देखो 7, है ना, बाई टू, है ना। बताओ भाई, ठीक है ना, कोई समस्या? अच्छा ये गलत हो गया लगता है। देखो चेक करो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, देखो 24 स्क्वायर कितना होता है, फाइव सेवेंटी सिक्स और 49, सही तो है ये, ठीक है। मॉड जेड प्लस ए बाई टू और माइनस आयोटा अंडर रूट मॉड जेड माइनस ए बाई टू, है ना। देखो ये क्या हो गया, प्लस माइनस, है ना। बताओ देखो ये हो जाएगा अंडर रूट का 32/2, सही है, तो रूट का 32 16 हो गया, और माइनस आयोटा अंडर रूट, देखो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 18/2, तो 9 हो गया। तो देखो क्या हुआ, प्लस माइनस 4 माइनस 3 आयोटा, है ना। सिंप्लीफाई करना है ना, 25 प्लस 7 32/2, तो उसका अंडर रूट 16 बचा, इसमें से माइनस किया तो कितना हुआ 18/2, तो 9 बचा। देखो प्लस माइनस, अब देखो इसका मतलब ये हुआ, एक बार प्लस ले लूं तो 4 माइनस 3 आयोटा, और एक बार अगर माइनस लेंगे तो -4 + 3 आयोटा। देखो ये दो आंसर हमारे आ गए। देखो इस तरह से लिखना ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, मतलब एक बार प्लस लेंगे तो हर जगह प्लस, एक बार माइनस लेंगे तो माइनस, है ना। तो देखो ये शॉर्टकट फार्मूले से भी हम अपना अंडर रूट निकाल सकते हैं। देखो ये माइनस के लिए यहाँ माइनस है, प्लस के लिए यहाँ प्लस है, ठीक है। देखो इसका निकालना था, तो देखो ए हो गया 7, बी हो गया 24, है ना। तो मॉड जेड क्या होता है, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मॉड जेड हो गया 25, तो मॉड जेड की वैल्यू 25 प्लस ए का मतलब 7 और बाई 2 माइनस आयोटा अंडर रूट, मॉड जेड हो गया 25 और माइनस 7 बाई 2। तो देखो यहां से हमें ये हो गया 4 माइनस 3 आयोटा, और बाहर प्लस माइनस है, तो देखो हमें दो आंसर मिल गए, यहाँ से भी हमें दो आंसर मिले थे। तो इस फार्मूले को अगर हम याद रखें तो अंडर रूट को हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको,